हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहा है शाम का 6:30 और मैं आई हुई थी दिल्ली, जैसे मैंने आप लोग को बताया था। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली की सबसे चीपेस्ट मार्केट जो है वो है सरोजनी नगर। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं वहाँ जाके कुछ पसंद आता है नहीं आता है। अभी जा रहे हैं हम, यहाँ से निकलते हैं 8:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाती है। तो 1-2 घंटे में हमें शॉपिंग करनी है। जो हमें पसंद आएगा मैं दिखाऊंगी आप लोग को, जो भी मैं लूंगी या मुझे जो पसंद आएगा मैं सारी की सारी मार्केट आपको पूरी कवर करके आज दिखाने की कोशिश करूंगी, ताकि हमारे पहाड़ के कोई भी लोग यहाँ पर आए तो शॉपिंग के लिए तो वहाँ जरूर जाए। वैसे मुझे पता नहीं, मैं गई तो नहीं हूँ आज तक, तो मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। तो अभी देखते हैं वहाँ जाके कैसा कैसा सामान हमें मिलता है वहाँ पर, क्या रेंज है क्या नहीं है। तो अभी मिलते थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, अभी हम लोग जाने के लिए हो गए हैं तैयार। मैं और मुकेश जी हैं साथ ही हमारे, वो हमें लेके जाएंगे सरोजनी नगर। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। हम अभी न्यू सब नगर में हैं, दादरी अट्टा मार्केट यहाँ से सामने है। तो हम चले जाएंगे यहाँ से अब सीधे सरोजनी नगर। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी बीच में, जो जो मैं दिखा पाऊंगी। तो मुकेश जी, आप बता सकते हैं बीच में क्या क्या पड़ेगा, कोई ऐसी घूमने वाली प्लेस? घूमना नहीं है तो मैं मतलब दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ मतलब घूमने वाले क्या क्या प्लेसेस है। अक्षरधाम पड़ेगा रास्ते में, और अक्षरधाम के पास पड़ेगी, अक्षरधाम भी पड़ेगा, यमुना रिवर पड़ेगी, यमुना रिवर और अक्षरधाम। अच्छा, तो मुकेश जी बता रहे हैं कि अक्षरधाम और यमुना नगर नदी पड़ेगी एक बीच में, और कुछ नहीं पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम जाते हैं क्या क्या मिलता है हमें, तो मिलता है थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि यहाँ फोन चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से फोन भी छुपा छुपा के रखना पड़ता है। और आप लोग को तो पता ही है, आपकी जो ब्लॉगर है वो थोड़ा गरीब है, क्योंकि आईफोन से हम वीडियो बनाते हैं, गोप्रो है नहीं हमारे पास, तो फिर इसको बचा के रखना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, बाप रे, ये हाल है दिल्ली में, ये हाल है दिल्ली में ट्रैफिक की। तो 5 मिनट हमें खड़े खड़े हो गए हैं यहाँ पर। तो जो सरोजनी नगर है वो पड़ता है दिल्ली में, और हम नोएडा से आ रहे हैं दिल्ली, क्योंकि नोएडा सुंदर दिल्ली नोएडा में है। तो अभी हम जाएंगे सरोजनी नगर जो दिल्ली में है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ की रोडें बहुत अच्छी हैं, रोड बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत हद से ज़्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ पहाड़ों की रोड पर मैंने आप लोगों को दिखाई रखी कैसे होता है हमारे घर की साइड में, और मेन रोड पर भी होगी हाल है, पर यहाँ पर रोड बहुत अच्छी है। और अभी इस टाइम पे मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, बाहर निकल रहा है, पर दिन में बहुत गर्मी हो रही है इधर, मतलब दिन में रहने लायक नहीं हो रहा है इधर, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ मई जून में भी नहीं होती है, हमारा तो कम्बल ओढ़ने लग गया अभी तो, अभी और इधर क्या बोलूँ। तो गाइस, अभी है ऑफिस टाइम, तो आप लोग देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर, इतनी गाड़ियों की भीड़ है। तो गाइस, अभी यहाँ पर हमने लगा दिया मैप, अभी 20 मिनट का रास्ता यहाँ पर से बचा है। और अभी शाम का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है भाई। चलो, मतलब दिल्ली में तो रात को लगती नहीं है, रात दिन एक जैसा है यहाँ। तो गाइस, अभी आप लोग को दिखी होगी हमारे सामने से रेड कलर की कार, जिसका नाम है पोर्श। तो मेरा भी कभी सपना हुआ करता था कि मैं ऐसी गाड़ी लूँ कभी। तो अभी देखते हैं आप लोग की कृपा कितनी बनती है, क्या पता आप लोग की कृपा से ही मैं इसको ले लूँ। तो गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है लाइक करिया करें, कमेंट और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो गाइस, अभी यहाँ से हम डलाएंगे पेट्रोल, और उसके बाद हम जाएंगे सीधे चांदनी चौक। यहाँ पर 4 मिनट का रास्ता अभी बचा है, और अभी हमारे मुकेश जी डलाते हैं पावर वाला पेट्रोल। मेरे समझ में नहीं आया उसका मतलब क्या है, तो मुकेश जी ने हमें बताया है कि उससे गाड़ी अच्छी चलती है। तो गाइस, पेट्रोल डलाने के बाद हम लोग चल दिया यहाँ से आगे की ओर। तो अभी मिलते हैं आपको सिर्फ चांदनी चौक में। तो गाइस, यहाँ पर सामने लगा है चांदनी चौक का बोर्ड, यहाँ पर से है ओनली 3 मिनट्स का रास्ता। तो अभी पहुँचते हैं उधर सीधे। तो यहाँ पर पोपट मेरा माइक हो गया था बंद, तो हम लोग करनी पड़ेगी वॉइस एडिटिंग। हम पहुँच गए सरोजनी नगर मार्केट 8 नंबर 2। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्लोथिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, और पार्किंग इधर आप लोग देख सकते हैं, गाड़ियाँ थार तक यहाँ आई है। तो कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते थे शॉपिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं, देखिए सब सोच सकते हैं। तो गेट नंबर 2 अंदर घुसते ही आपको जाना है अपने लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पर है बाइक की पार्किंग। आप लोग गाड़ियों से देख सकते हैं कैसे कैसे लोग यहाँ पर शॉपिंग कर। तो हम यहाँ पर कर देंगे अपनी बाइक को पार्क, और यहाँ से जाएंगे सीधे अंदर पूरे सरोजनी।
गाड़ी पार्क करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से अंदर, पर्ची कटाएंगे पहले हम, उसके बाद जाएंगे सीधा अंदर। तो भैया आ गए हैं। तो इसका है 10 रुपीज। तो गाइस मेरे साथ आज पोपट हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने परसों चार्ज किया था उसके बाद मैं कल लेके गई थी इसको, और आज का माइक अपना बंद हो जा रहा है, जितने देर में यूज कर रही हूँ देर ही चल रहा है, फिर ऑन करना पड़ रहा है। तो इतना चल गया है कि आज मुकेश जी हमारे टेढ़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। और ये रहा सेकेंड गेट यहाँ सरोजनी नगर जाने के लिए अंदर, अब हम भी घुसते हैं कुछ देखते हैं, हमें पसंद आता है तो, नहीं आएगा तो फिर चले जाएंगे वापस, पर लेके जाऊंगी आज मैं कुछ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट, और यहाँ पर ऐसे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं जो हमें ढूंढना है एक स्कर्ट, और देखते हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपीज की सेल लगी हुई है लोअर्स वगैरह की। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ये चप्पल ने मुझे कितना परेशान कर दिया, तो इसलिए वजह से ऐसी चप्पल लेनी नीचे, मैंने तो गलती कर दी, आप लेना मत कभी। मैं इसको कम से कम 4 बार बात चुकी हूँ, फिर भी ये खुल जा रहा है, खिसक के नीचे पहुंच जा रहा है, क्योंकि मुझे इसको आराम से फिक्स करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो इस वजह से ये खुल जा रहा है बार बार, वरना अच्छे हैं वैसे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 150 की बॉयज के लिए ये सब ऐसे लगा है, और यहाँ पर फिर से स्कर्टी। तो गाइस बार बार माइक बंद हो जाने के कारण मेरे को बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, और अब इनको कुछ पसंद नहीं आया अभी तक, तो जो पसंद आ रहा है वो थोड़ा सा अलग अलग से जा रहा है, तो मैं देख रही हूँ। मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, पर जैसा मुझे चाहिए वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे अभी तक। तो अभी आधी मार्केट मतलब एक ही गली देखी है हमने, अभी आगे और खाती हूँ आप लोग को। यहाँ पर आई थी मैं, तो यहाँ पर अंकल जी हमें दे रहे हैं 350 से 1500 तक के सूट, और बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है उनके पास। मैं गई थी अभी देखने के लिए, मैंने लिया नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं, अभी देखते हैं कुछ और पसंद आते थे, अभी तक हमने कुछ खरीदा तो नहीं वैसे। तो गैस अभी थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद हम जाने लगे यहाँ से घर को, और यहाँ पर मुकेश जी हमारे, और अब पार्किंग से हमने देने हैं पैसे जो रहे पर हावर 10 रुपीज़ है मेरे ख्याल से, तो हम आए थे 7:35 पे। तो गाइस थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद हम जाने लग गए घर को सरोजनी मार्केट से, अब हमें लगे यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा जाने में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर, तो ये जाएंगे अपने घर, मैं जाऊँगी गाड़ी देखो, तो जाती यहाँ से सीधे पूछ लेना।